प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद के भटूकला इलाके में उप तहसील में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। लोगों ने जन अधिकार मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों का कहना है कि उप तहसील में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है और बिना रिश्वत के कार्यालय में कोई काम नहीं होता है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही लोगों ने तहसील में सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। यहाँ ना ही कोई चौकीदार है, इससे पहले कई बार यहाँ जो है चोरियां हो चुकी है और ना कोई सफाई कर्मचारी है। देखो बड़ी मतलब जिस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सफाई का जो ये इतना जो है ना वाडंबर करते हैं, लेकिन यहाँ ना शौचालय ना सफाई कर्मचारी है। रही बात बिजली की, बिजली जो है ये ग्रामीण फीडर के साथ इसको जोड़ रखे है, क्योंकि गाँव में हमें पता ही है कि बिजली आमतौर पर जाती रहती है। तो हमारी ये मांग है कि इसको जो ये पावर हाउस बिल्कुल नज़दीक है, डायरेक्ट पावर हाउस से यहाँ बिजली जोड़ी जाए। और अगला जो विशेष मुद्दा है वो ये है कि करप्शन है, हर तरीके का करप्शन है। उसके अंदर जो लोग ताल्लुक रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई वकील है, मजबूरी बस जब यहाँ इतना व्यापक भ्रष्टाचार है तो वो जो है ना पैसे का लेन देन जो सरेआम यहाँ चलता है। तो ईमानदारी से जो विरासत के इंतकाल हैं और हैं जो रूटीन के काम में जो होने चाहिए, उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये सरकार के नौकरों की, तहसीलदार की इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये यहाँ ये नौकर की ऐसे नहीं, यहाँ ये फन्ने खांबड़े बैठे रहते हैं, ये अपने आप को साफ समझते हैं। तो इन तमाम तकलीफों के लिए आज है ये धरना रखा गया सांकेतिक फौरी तौर के ऊपर अभी, और अगर इन समस्याओं का जल्द अविलंब कोई अगर समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर के ऊपर हम डीसी साहब का या यहाँ बड़ा प्रदर्शन या बड़ा हम धरना करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन का सिलसिला तो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई कब होगी और उप तहसील की स्थिति कब सुधरेगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।